सॉरी हेलो भाई आज तो पानी बंद मिला हुआ आपको चलता आपका आने की सूचना यहाँ पहले जा चुकी डिस्ट्रिक्ट देखो आज आपको पानी बंद मिला है और रोज हम अखबारों के लारे खड़े होकर रोज लेते अखबार रखेंगे हम तारीख का और उसके हिसाब से हम रोज वीडियो बनाएंगे इसके लाने में पानी चलते हुए थी कोई ना कोई विभाग का आदमी इनके साथ में मिला वो यार इसमें पानी के हाथ में भी वो दिखाई देगा ये पूरी वीडियो देता है ये नलकों का पानी निकल रहा हमारे ये देखो जी आप पूरी वीडियो देख लो नहीं देखो ना पूरी मैं एक बात तो बता दो देख लिया मैंने हाँ जी हाँ एक मिनट इस चीज़ की कोई तो इसकी कोई इस वीडियो की तो कोई वैल्यू होगी जी आपके बराबर में आपके जूनियर इंजीनियर बैठे इसी डिपार्टमेंट के पोल्यूशन डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ के और ये पानी पीने लगे आपका नाम विशाल बोपड़ा विशाल आज यहाँ पे टीम में आई थी क्या हो ऐसा है जो पोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट के द्वारा अपनाया जा रहा इसको लेकर जो कई महीनों से हमने आवाज़ उठा रखी है आज उस पर एक कार्रवाई दिल्ली एनजीटी की तरफ से टीम भेजी गई है यहाँ इंस्पेक्शन के लिए क्षेत्र में उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया आश्वासन तो अभी तो मेरे ख्याल से पता नहीं इनकी कुछ मिली भगत है आज मिली भगत का ही अंदाजा मैंने लगाया क्योंकि इन्होंने गांव में जाना भी इतनी समझा अब तक भी हमने एक बार इन्हें बोल भी लिया आप गांव की स्थिति जाकर देखें और जो घरों में से जो पानी निकल रहा ट्यूबवेल में से जो पानी निकल रहा है आप उसे देखें लेकिन ये उस पर कोई ध्यान नहीं देखें अभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है क्या बातचीत हो रही है एडीएम अमित कुमार है कमलेश है कोई एनजीटी से वे हैं साइंटिस्ट ई उन्होंने अपना प्रोफाइल बताया और एक वही विपुल कुमार जो इन्हीं का पोल्यूशन डिपार्टमेंट का एक जई है जो सैलरी के लिए ज़्यादा काम कर रहा सरकार की नौकरी छोड़कर इसके लिए नौकरी कर रहा है तीनों तो आप क्या चाहते हो कुछ नहीं देखते हैं अभी एडीएम महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हुई जब उनसे मुलाकात होगी लेकर तो जाएंगे कोशिश रहेगी आज इन क्षेत्र की सारी जो स्थिति है उसको अवगत करा दिया नाला कहाँ कहाँ पे बह रहा नाला ये डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है इसमें मिली भगत है मिल प्रशासन की भी जो डीएसएम शुगर मिल है इसकी भी और यहाँ से होता हुआ है वाया मंसूरपुर होता हुआ वो पड़ेगा होकर काली नदी में जा रहा और कितने जहरीली कर दी कितने गांव प्रभावित है इससे 1,00,000 की आबादी का पूरी 14-15 गांव की ठीक